अब ये है, जब कोरोना की वजह से नहीं लगा, अब पानी की वजह से नहीं लग रहा, इधर उधर पानी है कि बच्चे आएंगे डूबेंगे धार में बहेंगे इसलिए, और फिर ग्रहण है। हमारी तो रोजी रोटी यही है, रोज काम यही है, और काम कुछ है नहीं, रोजगार कुछ है नहीं, तो इस वजह से अब नुकसान तो हो ही रहा है, क्या करें इससे। मैम पिछले साल को ये तो पहले यहाँ पे लकड़ी का ब्रिज था, अभी इसको हाल साल 5 साल हो चुके हैं इस बड़े वाले ब्रिज को बने हुए, पहले भी यहाँ पे बहुत बड़ा उसे होता था यहाँ पे। अमूमन 40-50-60 हज़ार आदमी यहाँ पर एक दिन में रात 11-11:30 बजे से इकट्ठा हो जाते थे, और रात 12 बजे से मंदिर को हम खोलते थे, क्योंकि अगर रात 12 बजे से मंदिर खोल देंगे तो सुबह उजाला होने तक हमारे को 10-15 हज़ार आदमी को हम यहाँ से विदा कर देते थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में, और मैं हूँ आपके साथ वैशाली शर्मा। आज हम आए हैं उत्तराखंड के रामनगर में, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर स्थित है। आपको बता दें इस मंदिर की बहुत मान्यता है, और यहाँ से दूर दूर से, काफ़ी दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और इसके साथ ही आपको बताएं कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे एक गंगा स्नान का मेला का आयोजन किया जाता है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस साल भी, आपको बता दें, इस साल भी गंगा स्नान का मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। क्या वजह है, क्या रीज़न हो सकता है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे लोगों से और जानेंगे कि क्या रीज़न है। व्यापारियों से भी बात करेंगे कि उनको कितना नुकसान हो रहा है मेले के ना होने से। चलिए बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? पंडित जितेंद्र पांडे। तो कब से आप यहाँ पंडित का काम करते हैं? ये जन्म से, ये हमारा पुस्तैनी कार्य है। जैसे कि हर साल गर्जिया मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान का मेला का आयोजन किया जाता था, 2 साल कोरोना के चलते नहीं लग पाया था, इस साल भी नहीं लग पा रहा है, क्या कारण? अभी तो मुख्य कारण जो है वो ये है कि चंद्र ग्रहण का समय है ये, और उससे 8-10 घंटा पहले सूतक काल लग जाता है, तो 8 तारीख को मतलब ये ग्रहण भी लगेगा, और उससे 8-10 घंटे पहले सूतक भी हो जाएगा उसका। उसका मतलब ये है कि कई चीज़ों का परहेज हो जाएगा, कई मंदिर इसमें बंद रहते हैं, उसी प्रक्रिया में ये मंदिर भी बंद रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि जो कोसी नदी की धारा है इस वर्ष ये 3 भागों में विभाजित है, आपने देखा होगा कोसी नदी इधर भी है, बीच में भी है, किनारे भी है, और इसमें धारा तेज़ है, और आज तक ऐसा नहीं था। कोसी नदी की जो सामान्य पानी था या उससे कहीं ज़्यादा पानी है, तो इसमें खतरे की आशंका ज़्यादा बढ़ गई है। जब हजारों लाखों लोग यहाँ को आएंगे तो कितने लोगों के साथ दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पानी की धारा तेज़ है, कितने पुलिस वाले यहाँ पर लगेंगे, इसके बावजूद भी यहाँ पर दुर्घटनाएं होने का ज़्यादा संभावना है। तो जो पानी का लेवल इस वर्ष सबसे ज़्यादा है, अगर पानी का लेवल ज़्यादा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, इस ये मेन वजह है, और ये ग्रहण तो है ही, तो इन दोनों वजहों से ये मेले को स्थगित किया गया है। दूसरा ये बताइए, जैसे कि पिछले 3 साल से तो नहीं लग पाया है, लेकिन पिछले सालों तो लगा ही था, और 3 साल से पहले, तो उस वक्त ये मेले का क्या, किस तरह से रहता था, क्या दृश्य रहता था? गंगा स्नान जो कार्तिक पूर्णिमासी है, ये गुरु नानक जयंती भी होती है उस दिन, दोनों सेम एक ही दिन होते हैं। तो यहाँ पर यह था कि पिछले 40 वर्षों से हमारे यहाँ पिताजी यहाँ पर ये जंगल में रहे, उन्होंने इस मंदिर के विकास कार्य में अपना पूरा जीवन लगाया, तो धीरे धीरे ये 40 साल से ज़्यादा हमने इसको देख रहे हैं कि ये गंगा स्नान पहले बहुत कम लोग होते थे, और मान्यता पहले बहुत थी, आज मान्यता है और प्रसिद्धि ज़्यादा है। तो उस समय यह था कि यहाँ पर जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, और जो रामनगर के जो संभ्रांत लोग हैं, यहाँ के लोग आते थे, एक समिति गठित की जाती थी, और यहाँ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है रामनगर के, नगर पालिका सिंचाई विभाग है, PWD है, इतने लोगों के कई डिपार्टमेंट इसमें मिलते थे, और जो कार्तिक पूर्णिमासी का जो गंगा स्नान का मेला है उसको अच्छे से निभाते थे, सभी लोग यहाँ पर ड्यूटी देते, पुलिस वाले काफ़ी आते थे, और पिछले वर्षों तक ये ऐसा रहा, और अभी तो वर्ष भर यहाँ मेला ही है, बट जो कार्तिक पूर्णिमासी एक स्नान का इसमें महत्व है, कोसी नदी में जितनी भी धाराएँ हैं कहीं जो हिमालय के ये तलहटी में हैं, तो सभी में स्नान करने का पुण्य मिलता है, तो ये मेन वजह है स्नान करने की। कितनी तादाद, कितनी भीड़ आती थी यहाँ पे मेले के टाइम? ये अमूमन 40-50-60 हज़ार आदमी यहाँ पर एक दिन में रात 11-11:30 बजे से इकट्ठा हो जाते थे, और रात 12 बजे से मंदिर को हम खोलते थे, क्योंकि अगर रात 12 बजे से मंदिर खोल देंगे तो सुबह उजाला होने तक हमारे को 10-15 हज़ार आदमी को हम यहाँ से विदा कर देते थे, तो इसीलिए हमने रात 12 बजे से दर्शन शुरू करते थे। लेकिन जो इसका जो रोज़ का नियम है वो सुबह 6 बजे सूर्योदय होने के बाद ही है, और यहाँ मेला जो लगता है, कई दूर दूर से दुकानें आती हैं,
कई लोग यहाँ पर ट्रॉली में आते हैं और ट्रकों में भर के आते हैं, बसों में भर के आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जितना ये प्रांगण है चारों तरफ आदमी आदमी होते हैं। स्नान का पर्व होता है और एक दिन में काफ़ी, वाकई में ये मेला एक बहुत बड़ा मेला होता है और इसको अभी स्थगित किया गया है। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम सिब्बू पांडे, दुकानदार यहाँ के स्थानीय। तो कब से आपकी दुकान है? पंद्रह सोलह साल हो गए। जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे गंगा स्नान के मेले का आयोजन किया जाता है, इस साल नहीं हो रहा है, क्या वजह है? इस साल नहीं होने का जो प्राकृतिक आपदा है, जो सितंबर में इस बार जो बाढ़ आई थी उससे जो है पानी की धाराओं के जो तीन रुख हो गए, जैसे कि यहाँ से श्रद्धालु 2-3 लाख श्रद्धालु आता है, उससे क्या होता है कि अगर कोई रात को यात्री की रोकने के लिए दिक्कत हो जाएगी, बहुत पानी में किसी का बच्चा या बह गया, क्योंकि रात स्नान होता है किसी का दिखाई नहीं देता है, तो इस चक्कर में प्रशासन ने इस पर ज़्यादा रोक लगा दी कि मेले को स्थगित किया जाए, क्योंकि ये व्यवस्था को देखते हुए। और कोई अभी चंद्रग्रहण भी 8 तारीख को चंद्रग्रहण का ही बताया जा रहा है, जिस कारण कि वहाँ मंदिर के कपाट बंद होने की संभावना पंडित जी द्वारा बताई गई है, तो इसका भी मेन कारण रहा है। तो मेले ना लगने के कारण आपको किन दिक्कतों का सामना करना? दिक्कत है कि हम तो व्यापारी लोग हैं, हमारा तो नुकसान होता ही है, पर यह कि हमने जो जिनसे हमने कारोबार करना है, बच्चे पालने हैं, उनकी व्यवस्था को भी हमें देखना पड़ेगा कि कल को उनको भी कोई दिक्कत ना आए। इतनी दूर दूर से लोग यहाँ आस्था से आते हैं, अगर व्यवस्था नहीं हो पाई तो कल को यहाँ का संदेश मंदिर का गलत जाएगा, इस कारण भी मेलों को स्थगित किया जा रहा है। तो 2 साल कोरोना के चलते भी नहीं लगा था मेला और इस साल भी नहीं हुआ, लगातार 3 साल ऐसा हो चुका है, क्या किस दुख कितना है? दुख तो होता ही है, क्योंकि अब यह है कि अब दुख के साथ साथ कारोबार में प्रभाव बहुत पड़ता है, कि कारोबार में एक दिन में बहुत प्रभाव पड़ जाता है, पर यह कि ये तो एक प्राकृतिक आपदा रही, जितनी भी आए 2 साल 2.5 साल सभी लोग इससे झूल रहे हैं, कोई ये नई बात नहीं है, पर यह कि अब आगे के लिए माता रानी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, पर यह कि मेले को इस समय चंद्रग्रहण और आपदा के कारण रोक दिया गया है। नमस्कार। हाँ जी मैम, गड़जा मंदिर दीपक आर्या। तो जैसे कि इस बार भी जो गंगा स्नान का मेला है नहीं लग रहा है, किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा? मैम यहाँ पे 2 लाख आदमी यहाँ पे पहुँचता है, रात दिन का मेला होता है यहाँ पे, रिवर हर तीनों प्रकार से फैला हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कैंसिल किया गया, रिवर का एक मुनि है इसलिए मेला यहाँ पे कैंसिल है। पिछले 2 साल भी कोरोना के चलते नहीं लग पाया था और ये लगातार 3रा साल है, तो कितना दुख है आप? मैम दुख क्या, पहले तो आने वाले यात्री को उनमें डिपेंड करता है, फिर हम पे करता है, हम तो यहाँ पर रोजी रोटी में बैठे हैं, हम तो अच्छा ही चाहते हैं कि मेला हो, फिर ऐसे नहीं कि आने वाले सरदारों को यहाँ पे परेशानी पड़े, वो चीज़ के लिए यहाँ पे मेले को ब्लॉक कराया गया है। कब से है आपकी दुकान यहाँ पे? मैम मेरी 24 मेरी एज है मैम, 14 साल हो चुके हैं मुझे यहाँ पे दुकान। हाँ जी मैम। तो आप थोड़ा सा पहले के बताइए कि किस तरह से जो मेला होता था वो किस तरह से होता था पिछले साल? मैम पिछले साल को ये तो पहले यहाँ पे लकड़ी का ब्रिज था, अभी इसको हर साल 5 साल हो चुके हैं इस बड़े वाले ब्रिज को बना हुए, पहले भी यहाँ पे बहुत बड़ा उसे होता था, यहाँ पे लकड़ी के पुल से निकलते थे 2-2.5 लाख आदमी, अभी तो पक्का ब्रिज है, ठीक है, अच्छा है, फिर यहाँ पर मेला जैसे पहले लगता था वैसे अभी भी लगता है यहाँ पे। और आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा मेला ना लगने से, वो ही बताइए। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो 2 दिन का टाइम है, हमारा तो यहाँ पर रोज का कमाना है। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम बसंती देवी है। जैसे कि इस बार भी जो गंगा स्नान का जो मेला लगता है गड़जा देवी मंदिर में, वो इस साल भी नहीं लग रहा है, पिछले 2 साल भी नहीं लग पाया था, तो इस बार भी नहीं लग रहा है, तो कितना खेद है आपको, कितना दुख है उससे? बहुत दुख है मैम, अब क्या करें, यहाँ बाढ़ ने परेशान कर दिया, बाढ़ आ गई, यहाँ लाइन की व्यवस्था है नहीं, तो इस वजह से यहाँ मेला का नहीं लग रहे हैं, मेला नहीं लग रहा है। और मेला ना लगने की वजह से क्या क्या नुकसान होगा आपका, वो बता गया? हमारी तो रोजी रोटी यही है, रोज काम यही है, और काम कुछ है नहीं, रोजगार कुछ है नहीं, तो इस वजह से अब नुकसान तो हो ही रहा है, क्या करें इससे। और 2 साल भी नहीं हुआ था कोरोना के चलते, उस बीच भी क्या क्या दिक्कतें आई थी? अब दिक्कत तो आई थी जो आप घर में बैठे थे हम लोग, और काम हम कुछ था नहीं, यही प्रसाद का ही है, जो अब थोड़ा बहुत पैसे थे वही हमने अपने घर में बैठ के खाए। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? पुष्पा देवी। गंगा स्नान का जो मेला है वो नहीं लग पा रहा है, किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा? अब किस का कम ना करेगा, बंद रहेगा मेला, अब जो पानी की वजह से बंद है इस टाइम, तीनों तरफ धार है, जगह कम है, इसलिए मेला बंद है। तो उससे आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, इससे आपकी क्या आएंगी, अब जो दुकान बंद ही रहेगी, और क्या दिक्कत ये है, अब थोड़ा बहुत पैसा कमाते
वो गया, अब मेले मेले जैसा होता। दो साल कोरोना के चलते भी नहीं लग पाया था और इस साल मेला लगा हुआ अभी, और इस साल भी नहीं लग पा रहा है, तो फिर क्या क्या दुख है आपको क्योंकि तीन साल लगातार नहीं लग पाया? अब यही है, जब कोरोना की वजह से नहीं लगा, अब पानी की वजह से नहीं लग रहा, इधर उधर पानी है कि बच्चे आएंगे डूबेंगे धार में बहेंगे इसलिए, और फिर ग्रहण है इसलिए बंद कर रखा आज मेला। और मतलब ये जो आपकी दुकान है इसके अलावा और कुछ भी आप करते हैं? नहीं और कुछ नहीं है, मतलब आपका जो है सिर्फ ये दुकान? हाँ बस सब कुछ यही है जो भी है। तो देखा आपने, हमने बात की गर्जिया मंदिर के पंडित जी से, इसके साथ ही हमने व्यापारियों से भी बात की और जाना कि उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा मेले के ना होने से। पिछले दो सालों से भी मेला नहीं लगा था और इस साल भी नहीं लग रहा है, तो हमने बात की और जाना कि क्या क्या दिक्कतें थी उनको। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, मैं वैशाली शर्मा अपने सहयोगी शिल्पा नेगी के साथ, जे न्यूज़ हल्द्वानी। धन्यवाद।